Hello everyone, welcome to RPSC Study Hub. In this video, we will discuss about translation of sentences from Hindi to English. Today, we will learn about translation of 10 sentences from Hindi to English. So, let's start. अब हमारा first sentence है, अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? अब इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में इस तरह से करेंगे, व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग देयर नाउ. अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, मैं मुंबई जाना चाहूँगा. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, आई वुड लाइक टू गो मुंबई. अब अपना फोर्थ सेंटेंस है, क्या पानी पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर. अब जैसे कि यहाँ पे वुड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे वुड किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि अपन कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन क्या कर यूज़ ऑफ़र कर रहे हैं? वाटर. अब जैसे कोई भी चीज़ आती है, कॉफ़ी, टी, अपन कोई भी चीज़ ऑफ़र करते हैं, तो उस जगह वुड का यूज़ होता है. अब वुड की इसी तरह दूसरी कैटेगरी भी होती है. अब जैसे कि आपने थर्ड सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस में देखा होगा कि अपन कोई भी चीज़ चाहेंगे या कोई भी चीज़ डिज़ायर करते हैं, तो वहाँ पे भी अपना वुड का यूज़ किया जाता है. अब अपना फिफ्थ सेंटेंस है, अब रोने का क्या फ़ायदा? व्हाट्स द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ? अब अपना सिक्स सेंटेंस है, पार्टी में 50 से कम आदमी नहीं थे. देर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी. अब यहाँ पे अपन दो चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कोई अपन को पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है. तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे अपन को सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे मेनली देर का यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे अब ये जो सेंटेंस है, ये अपना पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे थे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए वर आया है. अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो अपन इसकी जगह आर यूज़ करते. और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि देयर वर नो लेस देन, मतलब यहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग थे, तो यहाँ पे प्लूरल सेंटेंस है ये अपना, तो यहाँ पे इसलिए वर आया है वॉस की जगह. और ऐसे ही अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे इज़ आता. अब अपना सेवन सेंटेंस है, उसने अपने भाई की ओर से बात की. ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर. अब यहाँ पे जो अपना बिहाफ आया है वो की ओर से, मतलब उसने अपनी भाई की ओर से बात की. अब अपना एट सेंटेंस है, मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड देयर. अब अपना यहाँ पे जो देन एंड देयर है, ये एक फ्रेज़ है, और जो देन एंड देयर है वो अपना उसी समय के लिए यूज़ हुआ है. अब अपना नाइन सेंटेंस है, इन सब के बाद ये एक अच्छा दिन निकला. इट टर्न आउट टू बी अ नाइस डे आफ्टर ऑल. अब ये जो हिंदी में अपना इन सब है, ये आफ्टर ऑल के लिए यूज़ हुआ है. अब ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हिंदी में तो ये जो वर्ड है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन होता है उसमें ये सेंटेंस के लास्ट में होता है. ऐसे ही निकला इस सेंटेंस के लास्ट में आया हिंदी के, लेकिन अपन जो ट्रांसलेशन करा है उसमें ये वर्ड के स्टार्टिंग में आया है सेंटेंस के. अब अपना टेंथ सेंटेंस है, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की. ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर. अब यहाँ पे जो अपना डे इन डे आउट आया है, ये एक आइडियम है. दिस इज इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर सेंटेंसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस लेक्चर, जॉइन टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन.